हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक इट सिंपल विद एमजे। इस जीमेल सीरीज के आखिरी वीडियो यानी कि 90 वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग छोटे छोटे काफ़ी सारे फीचर्स देखने वाले हैं, बट जैसे कि हमने बाकी के पहले 8 वीडियोस में देखा था एक एक फीचर्स के बारे में जो कि हमें फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं, बट इस एक सिंगल वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे छोटे छोटे फीचर्स देखने वाले हैं। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं लॉग इन के कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे मैं अभी जीमेल यहाँ से खोलता हूँ, और आपको तो पता है बाकी वीडियोस में आपने देखा है मेरा ईमेल आईडी क्या है। फर्स्ट वीडियो से लेकर अभी तक आपने अगर वीडियोस देखे तो आपको पता ही होगा, अगर नहीं देखे तो आप मेरे बाकी वीडियोस भी देख सकते हैं। अभी यहाँ पे मेरा जो ओरिजिनल मेल आईडी है यह है अगर आप जीमेल के साइट पे लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे @gmail.com डालने की ज़रूरत नहीं। ये फर्स्ट थिंग, ये तो मेरा ओरिजिनल जब मैंने फर्स्ट टाइम ईमेल आईडी क्रिएट किया था तो यहाँ पे मैंने डॉट मेंशन किया था, तो वो एक्चुअली जब भी मैं किसी को मेल भेजूँगा तो इस तरह का मेल आईडी मेरा सामने जाएगा। बट अगर आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं तो आप यहाँ पे डॉट लगाए ना लगाए या कहीं पे भी आप ऐसे कहीं पे भी आप डॉट लगा सकते हैं। एक डॉट बढ़ा दिया मैंने, यहाँ पे एक डॉट बढ़ा दिया, इसे डॉट में चार पाँच बढ़ा भी दिए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका लॉगिन आपके अकाउंट में होगा क्योंकि जीमेल कभी डॉट को कंसिडर नहीं करता है। दूसरी एक थिंग है कि आप जब नया ईमेल आईडी बना रहे हो तो आप उसके अंदर एडमिन इस वर्ड का यूज कर नहीं सकते। कहीं पे भी आपके पूरे ईमेल आईडी के अंदर अगर एडमिन वर्ड कहीं पे है तो वो कभी आपका ईमेल आईडी बनने नहीं देगा, वो आपको बताएगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो इस तरह से आप देखिए, अब मैं इतने सारे बढ़ा दिए, अभी मैं नेक्स्ट करता हूँ तो वो मेरे सेम अकाउंट में आपको लॉगिन के लिए बता देगा। और एक चीज, पासवर्ड कभी भी आप स्ट्रांग यूज कीजिए। स्ट्रांग मतलब एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए आपके अल्फाबेट्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स का, जिसमें अल्फाबेट्स में आपके कुछ स्मॉल होनी चाहिए, कुछ कैपिटल लेटर्स होने चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए और नंबर। ये जो होता है ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कहा जाता है। मतलब अगर कोई पासवर्ड आपका क्रैक करना चाहे तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होगा क्रैक करने में अगर आप इस तरह से पासवर्ड यूज़ करते हैं। और एक और चीज़, कभी आपका मोबाइल नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इस तरह की चीज़ें पासवर्ड में यूज़ ना करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें गेस करने में काफ़ी इजी होती है। अगर सामने वाले को आपका पासवर्ड गेस करना है तो वो फर्स्ट टाइम आपके मोबाइल नंबर या उसको जो आपकी सिंपल चीज़ें पता है, आपका बाइक नंबर या कार नंबर, इस तरह की चीज़ें वो फर्स्ट ट्राई करेगा। क्योंकि जनरली हम लोग यही करते हैं कि इस तरह से पासवर्ड रखते हैं, बट अगर आपको आपका अकाउंट सिक्योर रखना है तो आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज कीजिए। अभी इस वीडियो में और हम कुछ चीज़ें देखेंगे जैसे कि थीम्स वगैरह। यहाँ से आप सेटिंग में जाके यहाँ से आपको थीम्स का ऑप्शन मिलेगा। ये थीम्स का ऑप्शन अगर आप सेलेक्ट करते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जीमेल का लुक चेंज हो जाएगा। जैसे कि अभी मैंने ये थीम अप्लाई कर ली तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बैकएंड में अगर मैं सेव करता हूँ इसे तो आप देखिए बैकग्राउंड मेरा पूरा चेंज हो गया, थोड़ा सा लुक चेंज हो गया। तो इस तरह से आप थीम चेंज कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अच्छा स्पीड वाला इंटरनेट यूज़ करते हैं तभी आप थीम यूज़ कीजिए, क्योंकि थीम्स लोड होने में और डेटा कंज्यूम करते हैं तो आपका जीमेल का लॉगिन, फर्स्ट टाइम लॉगिन होने में आपका थोड़ा टाइम लग सकता है अगर आप स्लो इंटरनेट यूज़ करते हैं। और भी अगर आप ईमेल कंपोज करते हैं तो ईमेल कंपोज करते वक्त आगे आप कुछ टाइप करते हैं अगर आपको इसको फॉर्मेटिंग करना है तो आपको सिंपली यहाँ पे जाना है। यहाँ से आप इसे बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं, उसे अंडरलाइन दे सकते हैं। इस तरह से आप अगर कुछ आपको पॉइंट्स मेंशन करना है 1 2 3 4 तो आप इसे नंबर्स भी दे सकते हैं। इस तरह से तो आप वन बाय वन एक के नीचे एक पॉइंट्स भी कर सकते हैं। इसमें आपका इंडेंटेशन रहेगा, ये आपका लेफ्ट वाला ये सेंटर और राइट वाला, मतलब कहाँ पे आपको
ये टेक्स्ट शो होना चाहिए, जैसे कि अभी सेंटर में किया मैंने, लेफ्ट में। तो इस तरह से आप फॉर्मेटिंग, यहाँ से आप कलर भी चेंज कर पाओगे, यहाँ पे टेक्स्ट का साइज लार्ज नॉर्मल स्मॉल इस तरह से आप यूज़ कर पाओगे, या फिर फॉन्ट बदल पाओगे आप। इस तरह की चीज़ें आप फॉर्मेटिंग यहाँ से कर पाओगे। यहाँ से काफ़ी और भी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, आप यहाँ से ये चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी कुछ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग है और आपको पता नहीं, इसमें मैंने अभी बोल्ड भी किया है, इटैलिक भी किया है, अंडरलाइन भी किया है, आप जस्ट आपको ये निकालना है तो यहाँ पे चाहिए और यहाँ पे रिमूव फॉर्मेटिंग, ये कर देंगे तो सारा जितना कुछ आपने अप्लाई किया था वो सारा का सारा यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से और भी कुछ हम लोग देखते हैं कि ये अटैचमेंट यहाँ से अटैच करना है, आप अगर कोई लिंक इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ से कर सकते हैं। आप जैसे कि सोशल मीडिया साइट्स पे या एप्स पे इमोजीज यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आप अलग अलग इमोजीज भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपके गूगल ड्राइव पे अगर कुछ डॉक्यूमेंट सेव है तो आप वहीं से फाइल का लिंक आप डायरेक्टली आपके न्यू मेल के अंदर दे सकते हैं, फोटोज इंसर्ट कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। आपका सिग्नेचर, अगर आप मल्टीपल सिग्नेचर्स यूज़ करते हैं तो आप अलग अलग, अभी मेरा एक एक ही सिग्नेचर यहाँ पर है, इसीलिए अगर मुझे चाहिए कि मैं तीन सिग्नेचर अलग अलग तरह के लोगों के लिए अलग अलग यूज़ करूँ, मतलब प्रोफेशनली अलग करूँ, फ्रेंड्स के लिए अलग, फैमिलीज के लिए अलग, किसी अलग चीज़ के लिए अलग ही सिग्नेचर, तो मैं यहाँ से अलग अलग सिग्नेचर बना के अलग अलग सिग्नेचर यूज़ कर सकता हूँ। मेरे सिग्नेचर की वीडियो में आप वो भी देख पाओगे कि सिग्नेचर कैसे बनाना है आपको और कहाँ से आप मल्टीपल सेट कर सकते हो, नए ईमेल के लिए कौन सा सेट करना है, रिप्लाई देते हैं तो कौन सा सेट करना है, ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने टेम्पलेट्स का ऑप्शन बताया था, वो भी आप वीडियो में जाके देख सकते हो, मेरा टेम्पलेट्स का एक अलग से वीडियो बना है, वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है तो ये भी आपको मैंने यहाँ से बता दिया। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हम लोग देखेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कैलेंडर यूज़ कर सकते हैं। आपके अगर कुछ मीटिंग या कुछ आपको शेड्यूल किया है आपने तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, या कुछ जनरली अभी ये नेक्स्ट कमिंग 23 जून को यहाँ पे मुझे बता रहा है कि रथ यात्रा है, यहाँ पे अभी ये 25th को रमज़ान ईद, इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको फुल पेज पे अगर ये कैलेंडर देखना है तो आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं, यहाँ से नया इवेंट कुछ क्रिएट करवा सकते हैं। ये देखिए, आप जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो नए टैब में मेरा कैलेंडर फुल व्यू में ओपन हो जाएगा, जैसे आपको डेट्स दिखेंगे, आपका फुल डे का शेड्यूल दिख सकता है। इस तरह से आप काफ़ी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से भी आप वो कैलेंडर शॉर्ट में देख सकते हैं। अगर आपको कुछ डेट देखना है कि इस डेट पे कौन सा डे आएगा या कौन से मंथ में, अगर इस तरह से की चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको एक कीप नाम से एक नोट्स जैसा मिल सक, जहाँ से आपको अगर काम करते करते जीमेल पे आप वर्क करें और आपको कुछ याद आ जाता है जो कि आपको बाद में रेफरेंस के लिए यूज़ करना है, जैसे कि अगर आपको कुछ शॉपिंग करना है, ऐसे आप सेव कर सकते हैं। तो आप कुछ भी चीज़ें इस तरह से सेव करके रख सकते हैं। और आप ये सेम कीप, अगर सेम ईमेल अकाउंट से आपका मोबाइल पर लॉगिन है तो आप ये कीप वाला ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके ये सारी चीज़ें वहाँ से ऑटोमेटिकली सिंक होते हुए आप देख सकते हैं। अगर यहाँ से आप ऐड करते हैं तो आपका ऑटोमेटिकली मोबाइल के ऐप में भी सिंक हो जाएगा, यहाँ से आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। और एक कीप फुल, इसमें जैसे कि हमने कैलेंडर ओपन किया था वैसे एक कीप आप न्यू टैब में ओपन करके भी देख सकते हैं। यहाँ से और एक टास्क का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप वो सिंपल टास्क वगैरह, जैसे कि आपको अगर आपको पता है कि आज मुझे एक 10 लोगों को मेल भेजना है तो आप यहाँ से एक लिस्ट बना के रख सकते हैं कि अभी मुझे इन इन लोगों को मेल भेजना है, और जैसे आपका वो ख़त्म हो जाएगा एक टास्क तो आप उसे डिलीट कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि आपका कितना काम बाकी है। इस तरह की चीज़ें आप मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से गेट एडिंस का एक ऑप्शन मिलता है आपको, जहाँ से आपको पता चलेगा कि कैसे हम एक्सटर्नल एडिंस जो है तो वो यहाँ पे इनबिल्ट कर सकते हैं, जैसे कि अगर आप फ्रिक्वेंटली जूम मीटिंग या सिस्को वेबेक्स इस तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं तो आप इसे ऐड कर सकते हैं, ताकि अगर उसमें आपका कुछ शेड्यूल है मीटिंग्स वगैरह या अपकमिंग
कोई इंटरव्यू इस तरह की चीजें, तो आप वो यहाँ से ऐड करके भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से आपको सर्च करने पे जो चाहिए, काफी सारे ऐड इन से गूगल के, तो आप इसमें देख सकते हो, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह से आप ये सारी चीजें भी ऐड कर सकते हो। आपको ये ईमेल के अंदर एक चीज बताना रह गया, ये अगर शेड्यूल करना है आपको ईमेल, तो भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप सेंड पे क्लिक कर दे तो अभी चला जाएगा, यहाँ से आपको पता चलेगा कि शेड्यूल कैसे करना है। यहाँ से आप पहले ईमेल आईडी टाइप कर दीजिए और किसे भेजना है वो यहाँ से शेड्यूल पे अगर कर देंगे तो ये दो तीन आपको डिफॉल्ट देगा। अगर इसके अलावा कोई आपको सेटिंग टाइम या डेट सेट करना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट करके भी आप यहाँ से डेट और यहाँ से टाइमिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, ताकि अगर उस टाइम पे आप प्रेजेंट ना रहो बट अगर आपको उस टाइम पे ये ईमेल भेजना है तो आप शेड्यूल कर दीजिए, ऑटोमेटिकली जीमेल आपके बिहाफ पे वो ईमेल उस टाइम पे भेज देगा। इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें हैं कि ये टू क्या होता है, सीसी क्या होता है। बी सी सी टू मतलब हमें जिसे भेजना है, ये सीसी मतलब कार्बन कॉपी, कि ये चीज़ें अगर हम किसी एक पर्सन को भेज रहे हैं बट उसका इंफॉर्मेशन और भी कुछ लोगों को मुझे देना है कि मैंने इसे इन चीज़ों के बारे में कुछ डिटेल दिया है, इस तरह का ईमेल भेजा है, तो आप सीसी में रख सकते हो। मगर वो जो टू में पर्सन है उसे पता चलेगा कि आपने किसी किसी और कार्बन कॉपी में रखा है। बट अगर आप बीसीसी में रखते हो तो जो टू और सीसी वाले पर्सन है उन्हें ये पता नहीं चलेगा कि आपने ब्लैंक कार्बन कॉपी में किसे रखा है। मतलब वो चेक नहीं कर पाएंगे कि मेरे अलावा हमारे अलावा ये ईमेल और किसे भेजा गया है और सेम ईमेल का कॉपी किसे गया है। इस तरह से आप ये दो तीन चीज़ें भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हो। सेटिंग में जाके आप और भी काफ़ी चीज़ें आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप सिंगल पेज पे कितने ईमेल्स शो करना चाहते हैं। मतलब फर्स्ट डिफ़ॉल्ट ये 50 होता है जीमेल का, आप शो कर सकते हैं, या 50, 10, 20, इस तरह से आप चेंज करके भी सेव कर सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मुझे एक पेज पे इतने ही ईमेल दिखने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट जो टेक्स्ट स्टाइल्स रहता है कि क्या फॉन्ट डिफ़ॉल्ट होना चाहिए, आपको हर बार चेंज नहीं करना है। आपको कोई अलग डिफ़ॉल्ट फॉन्ट के अलावा कोई अलग फॉन्ट आपको पसंद आता है तो आप वो डिफ़ॉल्ट यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग की चीज़ें आप डिफ़ॉल्ट भी ऑटोमेटिकली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ऑटो करेक्शन का फीचर है, जो इस तरह ऑटो करेक्शन मतलब कुछ अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो वो ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। ये ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं यहाँ से। ये राइटिंग सजेशन मतलब आपका दो तीन वर्ड्स के बाद अगर कोई फ्रिक्वेंटली एक सेंटेंस है और आप उसमें से अगर दो तीन वर्ड भी टाइप करते हो वो आगे का वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको यही चाहिए, कि सिंपली आप अगर टैब दबा देते हो तो वो ऑटो कंप्लीट कर देगा आपका। इसके अलावा आपको ये लेबल्स यहाँ के, जैसे कि हमने हमारे रूल्स और लेबल्स के वीडियो में देखा था कि हमने किस तरह से ये लेबल्स बनाए थे बैंकिंग के अंदर HDFC और SBI, ताकि हम लोग ऑटोमेट कर सके कि मेरे HDFC की ईमेल इस फोल्डर में आए, मेरे SBI की ईमेल इस फोल्डर में आए, और ये अगर मुझे इस ईमेल आईडी से मेल आते हैं तो वो इस फोल्डर में आए। तो इस तरह से हम लोग लेबल्स भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। ये इनबॉक्स में काफ़ी और भी फीचर आपको देखने को मिल सकते हैं, कि प्रायोरिटी इनबॉक्स मतलब किस तरह से आपको आपके ईमेल का लुक सेट करना है, कि जो प्रायोरिटी वाले ईमेल्स होंगे वो मुझे सबसे ऊपर दिखने चाहिए, इस तरह से आप यहाँ से भी सेट कर सकते हो। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो, या अकाउंट एंड इम्पोर्ट्स में यहाँ पे आप पासवर्ड आपका चेंज कर सकते हैं। अगर आपके दो ईमेल्स हैं बट आप सेंड एज किसी और ईमेल के बिहाफ पे सेंड करना चाहते हैं, तो अगर यहाँ से आप ऐड करते हैं तो आप इस सेम ईमेल आईडी से आप बिहाफ पे ईमेल सेंड कर सकते हो, ताकि सामने वाले को ऐसा वहाँ पे जब रिफ्लेक्ट होगा ईमेल तो उसे पता चलेगा कि ये कोई अलग ईमेल आईडी से ईमेल आया है। आपके अगर मल्टीपल अकाउंट है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। इसके अलावा ये फिल्टर्स एंड ब्लॉक, जैसे कि हमने फर्स्ट जो हमारे फिल्टर का वीडियो था जहाँ पे हमने फिल्टर्स बनाए थे, वो फिल्टर्स आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा फॉरवर्डिंग भी हम यूज़ कर सकते हैं, कि यहाँ पे अगर मैं कुछ ऐड कर देता हूँ ईमेल एड्रेस, तो मेरे इस ईमेल आईडी पे आने वाले सारे ईमेल्स वो आईडी पे भी फॉरवर्ड हो जाएंगे।
इसके अलावा ये एडिंस जैसे कि हमने अभी देखा है, तो है वो एडिंस यहाँ पे अगर कुछ अभी तो नो एडिंस इंस्टॉल, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा का कोई भी एडिंस अभी इंस्टॉल नहीं किया था जो कि यहाँ से हम लोग करते हैं। अगर वो एडिंस करते हैं तो वो यहाँ से आप लोग सारे एडिंस मैनेज कर सकते हो। ये चैट का ऑप्शन है, ये आपका यहाँ पे जो लेफ्ट में आता है, तो ये चैट आपको ऑन रखना है ऑफ रखना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर इसे ऑन रखना है तो ऑन रखी, ऑफ रखना है तो ऑफ रखिए। इसके अलावा इसे सेम चैट का आपको ऑप्शन बताता हूँ यहाँ पे, ये आप राइट साइड में भी ले सकते हो। अगर यहाँ पे आप राइट साइड चैट को एनेबल करवा देते हैं तो ये आपका राइट साइड में मूव हो जाएगा, मतलब यहाँ पे दिखेगा आपका यहाँ सेट के, ताकि ये यहाँ पे आपको आपके लेबल्स वगैरह मैनेज करने में काफ़ी जगह मिल पाए। तो आप उसे भी सेट कर सकते हैं। आप टेम्पलेट्स को, जैसे कि मेरे टेम्पलेट की वीडियो में बताया था कि यहाँ से एनेबल डिसेबल करना है, वो कैसे टेम्पलेट्स को यूज़ करना है, ये लोग हम सेट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा ऑफलाइन का भी एक सेपरेट वीडियो बनाया मैंने कि ऑफलाइन कैसे यूज़ करना है, थीम्स का तो आपको बताया मैंने, ये कीबोर्ड शॉर्टकट का भी एक सेपरेट वीडियो बनाया मैंने। इस तरह से आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और इस तरह के मैं काफ़ी वीडियो बनाते रहता हूँ। आप मेरे चैनल में जाके बाकी सारे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले मेरे सारे वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।